हेलो एवरीवन, चैप्टर 62 देखेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है हमारी, सोसाइटी आफ्टर द हर्षा पीरियड। तो ये इसके हमारे इस पीडीएफ के थोड़े से ही लेक्चर्स लेफ्ट हैं, ठीक है। उसके बाद हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं आज का चैप्टर। तो इन्होंने बोला है 7th सेंचुरी से ही एंड उसके बाद भी सोसाइटी के अंदर दो कॉन्टिन्यूइंग ट्रेंड्स चलते हैं। वो कौन कौन से हैं कि फॉरेन एलिमेंट्स का भारत में आना, ठीक है, और एसिमिलेट होना और कंटिन्यू चलते रहना, और दूसरी बात सेग्रीगेशन होना जाति सिस्टम का। अब ये होता क्या है, मतलब ढंग से इसको आगे एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। तो कास्ट सिस्टम के बारे में पहले देख लेते हैं हम। तो ओरिजिनली 4 वर्नास होते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारी जातीज़ होती हैं, ठीक है। और ये जातीज़ जो होती हैं वो भी आगे सब डिवाइडेड होती हैं सब सेक्शंस के अंदर, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि वर्णास तो 4 होते हैं, 4 वर्णास में सेवरल जातीज होती हैं, उस जातीज में भी फिर आगे सब डिवीजन होती है और काफ़ी सारे सब सेक्शंस होते हैं, ठीक है। लॉट ऑफ दिस पीरियड एक्सेप्टेड बर्थ प्रोफेशन रेजिडेंस एज अ डिसाइडिंग फैक्टर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द जाति सिस्टम, ठीक है। तो ये जाति सिस्टम किस बेसिस पे होती थी कि आपका जन्म कौन से घर में हुआ है, ठीक है, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्रा, ठीक है, प्रोफेशन कौन सा है आपका और कहाँ पे आप रहते हैं, ये जो थे ये डिसाइडिंग फैक्टर्स थे जो कि आपको जाति सिस्टम के अंदर डिफाइन करते थे, ठीक है। उसके बाद बाय द टाइम, जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, ब्राह्मणास जो थे उन्होंने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया एज बाय देयर गोत्रा एंसेस्टर ब्रांच ऑफ वैदिक लर्निंग ओरिजिनल होम विलेज, ठीक है। तो बर्थ प्रोफेशन इनके हिसाब से पहले चलता था, लेकिन ब्राह्मणास ने बाद में गोत्र सिस्टम, एंसेस्टर आपके क्या रहे हैं, ठीक है, वैदिक लर्निंग आपको कैसी है, ओरिजिनल होम कैसा है और विलेज जहाँ पर आप रहते हैं वो कैसे है, उसके बेसिस पे फिर ये आपको डिफाइन करने लग गए। उसके बाद क्षत्रियस ऑल्सो मल्टीप्लाई एज अ रिजल्ट ऑफ द एसिमिलेशन ऑफ द फॉरनर्स एंड द अदर लोकल पीपल। तो क्षत्रियस मेनली जो थे एसिमिलेशन थी किनकी, फॉरनर्स की और कुछ जो लोकल पीपल्स थे वो दोनों मिलजुल के रहते थे, एसिमिलेट होके रहते थे, ठीक है। दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि बाद में सामने आते हैं, रेज द नंबर ऑफ द मिक्स जातीज, उनमें क्या क्या आता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्पेसिफिक प्रोफेशन इनटू द जाति, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर देना प्रोफेशन, एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को जाति के अंदर, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, इंक्रीजिंग द फिनोमिना ऑफ हाइपरगैमस यूनियन बिटवीन डिफरेंट जातीज, डिफरेंट जातीज के अंदर हाइपरगैमस यूनियंस का बढ़ जाना, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स थे जिन्होंने मिक्स जाति के नंबर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा दोनों फैक्टर्स, ठीक है। एक तो प्रोफेशन से जाति की तरफ जाना, दूसरा हाइपोगैमस से डिफरेंट जाति की तरफ मूव करना, ठीक है, और ये दोनों चीज़ें हुई इंक्रीज। उसके बाद जातीज वर आल्सो फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियस सेक्ट्स, वो सेक्ट्स कौन कौन से थे, लिंगायत्स वीरा शेवास सेतवानास दिगाम्ब्रास, ठीक है। तो ये वाले जो थे सीताम्ब्रास एंड दिगाम्ब्रास, ये हमने जैन में पढ़े थे, जैन लिटरेचर में, ठीक है, और जैन सोसाइटी में, और जैन जो भी हमने जैन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उनमें हमने ये देखे थे दिगंबर्स होते हैं जो नो ड्रेस वाले होते हैं, ठीक है, और ये जो है वाइट कलर की ड्रेसेस डालते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये नहीं देखे लेक्चर्स तो आप जाके पीछे लेक्चर्स देख सकते हैं। उसके बाद चंडेलाज आते हैं, इन्होंने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन दी ऑफ आंतिया जातीस, और ये जो थे विच वर द लोवेस्ट ऑफ ऑल जातीस, तो चंडेलाज को लोवेस्ट माना जाता था जातीस में, ठीक है। ट्रेडिशनल प्रोफेशंस रिलेटेड टू 4 वर्नर्स वर नॉट रिग्रेसली फॉलोड ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो ट्रेडिशनल जो प्रोफेशन थे ना वो नहीं, वो रिलेट करते थे ना टू द 4 वर्नर्स, ये ज़्यादा मतलब फॉलोड नहीं किए जाते थे इस टाइम पीरियड में, ठीक है। देयर वर ब्राह्मणस हु डिड नॉट हैबिचुअली कन्फाइन देयर एक्टिविटी टू स्टडिंग टीचिंग वर्शिपिंग परफॉर्मेंस ऑफ प्रीस्टली फंक्शंस, ठीक है। तो ये इनके जो थे, इनके जो ये स्टडिंग वगैरह टीचिंग वगैरह करते थे ना ब्राह्मणस, ये करते थे परफॉर्म ऑफ द प्रीस्टली फंक्शन, बस ये अपना ही बना के रखते थे वो, कि हम ही, ये हमारा ही है सब कुछ, ठीक है, मतलब इसको छोटी जातीज नहीं कर सकती ऐसा,
ठीक है, वैश्य ब्राह्मण लिव्ड बाय एंगेजिंग हिमसेल्फ इन द एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। तो एग्रीकल्चर एंड ट्रेड में कौन कौन से आते थे? वैश्य ब्राह्मण। और शूद्रा ब्राह्मण ने क्या करना, उनका क्या काम रहता था? लैक सॉल्ट, मतलब सेल करना, ठीक है, बेचना सॉल्ट, मिल्क, घी, हनी, तो ये आप याद रखिएगा। और क्षत्रिय वैश्य शूद्रा जो थे, ये जैसे मान लीजिए ब्राह्मण ने तो ये कह दिया कि हम सुप्रीम हैं, तो ये कहाँ से डिराइव होते थे? ये इनके प्रोफेशन जो होते थे ना, कौन से प्रोफेशन से ये जुड़े हुए थे, तो उनसे पता चलता था कि ये क्षत्रिय है, वैश्य या शूद्रा है, ठीक है। जैसे कि शूद्रा जो काम करते थे वो ये थे, हनी बेचना, घी बेचना, तो उनसे पता चल गया कि ये शूद्रा है, ठीक है। उसके बाद क्षत्रिय वॉज एन इम्पॉर्टेंट क्लास इमर्ज एज अ जाति ड्यूरिंग द पीरियड क्षत्रिय वर एंगेज एट द क्लर्क्स। मतलब ये जो क्षत्रिय होते थे वो कौन होते थे? एडमिनिस्ट्रेशन में क्लर्क्स का काम करते थे और रिस्पॉन्सिबल होते थे फॉर राइटिंग द डॉक्यूमेंट, मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो इनका काम भी आप याद रखेंगे। वैश्य के बारे में हमने देख लिया जो एग्रीकल्चर ट्रेड से रिलेटेड थे, शूद्रास के बारे में भी देख लिया जो ये हनी घी सॉल्ट मिल्क वगैरह बेचते थे, क्षत्रियस के बारे में भी देख लिया जो क्लर्क का काम करते थे और राइटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स, ठीक है। और जो क्षत्रियस थे वो इमर्ज होते हैं मौर्यन पीरियड के टाइम पे, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा था ना, मौर्यन एम्पायर आया था जो काफ़ी बड़ा एम्पायर हिंदू सोसाइटी में देखा जाता है, ठीक है, हमारी इंडियन सोसाइटी में देखा जाता है। और फिर गुप्ता का पीरियड आया था जो कि सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हर्षा का तो चल ही रहा है, ठीक है, जो हम आज वाले चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, ये हर्षा के बाद की जो सोसाइटी का टाइम है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो क्षत्रियज आए वो मौर्यन पीरियड में ही मतलब आने सामने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बट बाय द 7th सेंचुरी दे केम टू बी रिगार्डेड एज अ डिस्टिंक्ट जाति, पर बाद में ये डिस्टिंक्ट जाति बन जाती है। मैरिजेस वर ऑफन एंगेज बाय द पेरेंट्स और अदर गार्जियन ऑफ द पार्टीज एंड समटाइम गर्ल्स चूज देयर हस्बैंड। तो इसमें ये नहीं था कि ऑलवेज जो है वो पेरेंट्स ही शादी करेंगे गर्ल्स की, नहीं, गर्ल्स खुद भी चूज कर सकती थी अपने हस्बैंड्स। बट जनरली इन मैरिज ऑल रूल्स एज मैंशनड इन द समृतिस वर फॉलोड। अब हमने समृतिस पढ़ रखे हैं जिसमें लॉ वगैरह, लॉ रेगुलेशन वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं के हिसाब से ही वैसे मैरिजेस होती थी। लेकिन ये भी बात है कि गर्ल्स को भी अधिकार था, वो अपने हस्बैंड चुन सकती हैं। न्यू आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस जो हैं वो इमर्ज होती हैं, रीमैरिजेस भी देखने को मिलती है, जैसे अगर कोई विडो हो जाती थी तो भी मैरिज हो जाती थी उसकी, ठीक है, विडो रीमैरिज भी आप कह सकते हैं। द वर्ड्स लाइक द पुनारपू एंड द दिघिशु, ये जो थे ये लिटरेचर में यूज़ किए जाते थे इनके लिए, ठीक है। और दिस मीन्स द मैरिज ऑफ द वुमेन, री मैरिज ऑफ द वुमेन वॉज परमिटेड, ठीक है। तो इनका मतलब यही है और ये लिटरेचर में यूज़ किए जाते थे। किस टाइम पे? हर्षा के सोसाइटी के बाद का ये टाइम पीरियड है, ठीक है। उसके बाद वुमेन्स राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी वॉज एक्सेप्टेड बाय द अथॉरिटीज़, और इस टाइम पे वुमेन्स को भी अधिकार था वो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकती थी। द विडो वॉज एंटाइटल टू सक्सीड टू द होल इस्टेट ऑफ हर इश्यूजलेस एंड द डिसीज्ड हस्बैंड। तो सारा जो सब कुछ जो होता था ना, अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो सारा कुछ विडो वुमेन के पास ट्रांसफ़र हो जाता था, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इकॉनमी आफ्टर द हर्षा पीरियड। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।